कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ा रही है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को शामिल किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन के तहत दी जा रही वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में और निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर 250 रुपये में उपलब्ध है। बता दें कि 16 जनवरी को शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पहले चरण में कोविड-19 ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी कवर किया गया था। इसके साथ ही 1 मार्च से शुरू हुए दूसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन दी गई थी। वहीं अब तीसरे चरण की शुरुआत गुरुवार यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि गुरुवार यानी कि 1 अप्रैल से तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को रखा गया है। और आपको बता दें कि पूरे देश भर में तमाम लोगों को इसके तहत वैक्सीन दी जा रही है जो 45 वर्ष से अधिक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋतिक हैं फोनलाइन पर। ऋतिक, तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास तीसरे चरण को लेकर, यह जानना चाहेंगे आपसे। जी मंजुल, तीसरे चरण की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना लगातार पूरे देश में सूबे में भी बढ़ता जा रहा है, उसी की रोकथाम के लिए अब तीसरे चरण में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन दूसरे चरण और तीसरे चरण की अगर हम माने, इस बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो कुछ खासा अंतर नहीं है। तीसरे चरण में अब जो 45 से अधिक की उम्र के लोग थे, पहले लोगों को सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता था अपनी उम्र को दिखा के, तभी उनको वैक्सीनेशन दिया जाता था, वैक्सीन दिया जाता था कोरोना का। लेकिन इस बार कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है। 45 वर्ष से ऊपर के जो अधिक की उम्र के लोग हैं उनको कोरोना का टीका इस तीसरे चरण में दिया जा रहा है। और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी आज सबसे पहला वैक्सीनेशन तीसरे चरण का यहाँ ले लिया है। और इस दौरान उन्होंने खुद कहा है कि तीसरे चरण में 45 वर्ष से उम्र में अधिक होने के कारण उन्होंने भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है उन्होंने भी पूरी की और आज वैक्सीन लिया है, और 8 हफ्ते बाद दूसरा डोज भी वो लेंगे। और इसीलिए उन्होंने सूबे की जनता से भी अपील की है कि 45 वर्ष से जितने भी अधिक लोग हैं, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, सेकेंड वेव में जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, उसके रोकथाम के लिए कोरोना का वैक्सीनेशन लेना बेहद जरूरी है। जी ऋतिक, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो हमारे सहयोगी ऋतिक बता रहे थे कि इस बार जो तीसरा चरण है इस कोरोना वैक्सीन नेशन के तहत अब सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सर्टिफिकेट फ्री किया गया है। यहाँ पर आप 45 वर्ष से अधिक हैं तो आपको कोरोना का टीका लगेगा। अगर सरकारी सेवा केंद्र में जाते हैं तो वहाँ मुफ्त में, वहीं निजी अस्पतालों में 250 रुपये में अवेलेबल है यह कोरोना का टीका, जिसका तीसरे चरण की शुरुआत गुरुवार यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। Oh,